मैं आशीष भाई स्वागत करते हैं फिर से आपके YouTube चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट विद इन मिनट्स दी जाती है, और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ UPSI से रिलेटेड काफ़ी सारे लड़के ग्रुप अलाउड रहता है, आप चैट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और वहाँ पे आप बिल्कुल सही तरीके से अपने क्वेरीज को रख सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन करके और अपनी क्वेरीज को और कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ आप सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। सबसे पहले बड़ी बात कि आपके मन में कुछ दिन पहले से एक डर बन गया है एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। हमारे पास भी कई कॉल्स और मैसेजेज आए कि सर मेरा ये शिफ्ट है, इस शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, इस शिफ्ट में 6 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, इस शिफ्ट में 7 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। और उसका नतीजा ये है कि अच्छे अच्छे नंबर्स वाले लड़के रनिंग नहीं कर रहे हैं या इनका हौसला टूट चुका है, जो थोड़े बहुत किसी सेक्शन में कम हैं या बॉर्डर पर हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात कि ये बता दें आपसे कि जो बोर्ड के जो सचिव हैं ना या बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको भी नहीं पता होगा कि किस शिफ्ट में कितने नंबर कम होंगे और किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। पहली बात, किस शिफ्ट में कितने नंबर कम होंगे, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, उनको भी नहीं पता। एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है, वो एक लड़कों पे नहीं अप्लाई होता है, वो एक ही बार सिस्टम अप्लाई करेगा और सारे लोग के नंबर्स बढ़ या घट जाएंगे। और अभी किसी को नहीं पता कि इसमें कितने क्वेश्चंस कम होंगे, किसमें कितने क्वेश्चंस बढ़ेंगे। ठीक है तो ये बिल्कुल भी निराधार है कि आप ये मान के ना चलिए कि मेरा 6 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, मेरा 8 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। ये बिल्कुल 110% गलत है ये चीज़ें, कि बिल्कुल ये तुक्का वाली बातें हैं कि आपके इतने नंबर कम हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बात करते 110 120 115 वाले, वो भी हड़बड़ी में है। आप निश्चित जिनके भी 100 105 के करीब में हैं वो आप रनिंग करिए, ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल पछताने का सवाल कुछ नहीं होगा। 9000 वैकेंसी कोई बच्चों का खेल नहीं है। और एक और बता दें, बहुत सारे लोग रैंक आए क्योंकि डेटा से भी परेशान है कि रैंक आए क्योंकि मेरा 11000 रैंक है, 9000 वैकेंसी है, वो बिफोर नॉर्मलाइजेशन है। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो कौन कहाँ चला जाएगा वो चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी। ठीक है, तो रनिंग करते रहिए, यही चीज़ें हैं, किसी कोई नहीं पता। नॉर्मलाइजेशन होगा लेकिन किस तरीके से होगा, क्या होगा, अभी किसी को नहीं पता। नंबर 20-30 नंबर का गैप होगा, बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन सबके 20-30 नंबर ना बढ़ सकते हैं ना सबके 20-30 नंबर घट सकते हैं। किसी के 5 नंबर, किसी के 10 नंबर, किसी के 8 नंबर, किसी के 12 नंबर, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान न रखिए, रनिंग करते रहिए। होप करेंगे वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और रनिंग बिल्कुल भी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, आपका रिजल्ट जल्दी घोषित होगा। थैंक यू।